मुदित ने नई कार खरीदी और कार डीलर से ही इंश्योरेंस भी ले लिया। उन्हें इंश्योरेंस प्लान अच्छा लगा। कुछ महीने बाद एक मामूली एक्सीडेंट में उनकी कार को कुछ नुकसान हुआ। एक्सीडेंट की वजह से कार के इंजन से ऑयल लीक होना शुरू हो गया। अब इंश्योरेंस प्लान था तो बाकी नुकसान की मरम्मत उसमें कवर हो गई, लेकिन इंजन की दिक्कत कवर नहीं हुई। इंश्योरेंस कंपनी ने मुदित से कहा, कार इंश्योरेंस में इस तरह के नुकसान का खर्च कवर नहीं होता। अब मुदित को इंजन की मरम्मत का खर्च अपनी जेब से ही भरना पड़ा। अलग अलग कंपनी और प्लान के हिसाब से कार इंश्योरेंस में कई चीज़ें शामिल नहीं होती। हालांकि कुछ आम चीज़ें हैं जो कोई भी बीमा कंपनी कवर नहीं करती। इनमें से कुछ के लिए आप एड ऑन कवर ले सकते हैं। कार इंश्योरेंस में टायर, इंजन को होने वाला नुकसान, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, फेलियर या ब्रेकेज, डिप्रिसिएशन यानी कीमत में कमी, समय के साथ होने वाले नुकसान आदि कवर होते हैं। इनमें से कुछ के लिए आप एड ऑन कवर ले सकते हैं। कार इंश्योरेंस में डिप्रिसिएशन कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता। कार खरीदने के साथ ही उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी किसी वाहन की वैल्यू के इस डिप्रिसिएशन को कवर नहीं करती। क्लेम के सेटलमेंट के वक्त आपकी कार और उसके पार्ट्स की वैल्यू जितनी कम हुई है, उतने पैसे कंपनसेशन से काट कर आपको मिलते हैं। इससे बचने के लिए आप एड ऑन के तौर पर जीरो डिप्रिसिएशन कवर ले सकते हैं। इंजन और टायर प्रोटेक्शन वाहन की व्यापक इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता। टायर को समय के साथ होने वाले नुकसान में गिना जाता है, जबकि ईंधन में तेल का रिसाव हुआ या नमी जम गई तो वह भी पॉलिसी में कवर नहीं होता। इनके लिए आप एड ऑन कवर ले सकते हैं। जब कार का एक्सीडेंट होता है, तब हो सकता है कि उसमें कई लोग सवार हों। कोई बड़ा हादसा हो तो कार के डैमेज होने के साथ साथ कार चलाने वाले व्यक्ति और वाहन में सवार दूसरे लोग भी जख्मी हो सकते हैं। बदकिस्मती से कार इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल पर्सनल एक्सीडेंट कवर में कार में सवार लोगों के इलाज का खर्च शामिल नहीं होता। इसके लिए आप एड ऑन कवर के तौर पर पैसेंजर कवर भी ले सकते हैं। कार इंश्योरेंस में कार की मरम्मत के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों का खर्च आमतौर पर कवर नहीं होता। उदाहरण के लिए लुब्रिकेंट, वॉशर, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, स्क्रू, बोल्ट आदि ऐसी ही चीजें हैं। इन पर होने वाला खर्च वाहन मालिक को अपनी जेब से भरना होता है। हालांकि इस खर्च से बचना हो तो 5 साल से कम पुरानी कार के लिए कंज्यूमेबल्स कवर का एड ऑन कवर लिया जा सकता है। कार की चाबी गुम हुई तो उसकी रिप्लेसमेंट पर होने वाला खर्च इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। हालांकि इसके लिए अलग से की रिप्लेसमेंट कवर ले सकते हैं और खर्च बचा सकते हैं। कार से सामान की चोरी होने या कार की चोरी होने पर उसमें मौजूद सामान के लिए हर्जाना नहीं मिलता। इंश्योरेंस पॉलिसी में यह कवर नहीं होता। हालांकि अगर आपने लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स एड ऑन कवर लिया है तो इससे इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। कार इंश्योरेंस लेते वक्त इस बात की पड़ताल कर लें कि उसमें क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। जो चीजें आपको चाहिए, अगर वो आपकी पॉलिसी में शामिल नहीं है, तो आप उनके लिए एड ऑन कवर ले सकते हैं।